बुखार आने के बाद तो मतलब इनका आँख एकदम भरपूर एकदम लाल हो गया। लाल होने के बाद मतलब कई लोग बताएं मतलब थोड़ा थोड़ा गर्दन में दाना टाइप हो गया था, फिर दिखाएं तो फिर उसके बाद दिखाने के बाद स्वयं उसके बाद पूरे शरीर भर दाना निकल गया। वाराणसी जनपद के चोलापुर ब्लॉक के दानगंज कोयलो स्थित प्राथमिक विद्यालय में शुभम सहित कुल 15 बच्चे विगत 15 दिनों से चेचक की बीमारी से पीड़ित हैं। इस बीमारी के असर से स्कूल के सभी बच्चों में काफी बुरा असर पड़ रहा है। मैं शबनम और ये है मेरा समुदाय। जब हम ज्यादा खाना खाते हैं तो क्या हो जाता है? इस विद्यालय में समस्या क्या हो रही है मैम? इस विद्यालय में इस समय काफी बच्चों में चेचक और बुखार का दिखा जाता है। ये समस्या कब से हो रही है? पिछले 15 दिनों से। स्कूल में टोटल कितने बच्चे हैं? स्कूल में बच्चों की संख्या है 66। और अभी समस्या जिन बच्चों में है उनकी संख्या कितनी है? लगभग 15 बच्चे हैं। क्या हुआ है बेटा? माता जी उनके लिए हुआ है। हाँ जो 15 जाने का हुआ है जो स्कूल फिर नहीं आते हैं, जो मैं भी उसको नहीं आता हूँ, जो स्कूल में सुरक्षित जो माता जी के तो होता है जो स्कूल में जिन आते हैं लोगन स्कूल ना जा पावत हुआ, खेल ना पावत हुआ, बहुत तकलीफ होता है, खाए पिए में दिक्कत है। पहले बुखार, फिर उसके बाद दाना दाना पूरा शरीर भर निकल गया, बस ऐसे लोग परेशान रहे। तो 15 दिनों से ये समस्या है, तो उसके लिए आप लोगों ने प्रयास क्या किया? यहाँ चोलापुर से स्वास्थ्य केंद्र से टीम आई हुई थी, बच्चों का चेकअप हुआ है तो अभी वहाँ नहीं गए। कुछ पेरेंट्स से कहा गया कि आप डॉक्टर को दिखाइए, दवा लीजिए। इसके बाद ऊपर CSC से फिर दोबारा टीम आएगी, जो आगे करना हो करना। आगे मैम आप चाहती क्या है? मैं चाहती हूँ कि इस पर कार्रवाई हो, बच्चों की जांच हो, दवाइयाँ उनको अच्छी से अच्छी दी जाए ताकि मेरे स्कूल में बच्चों की उपस्थिति अच्छी रहे। मैं और मेरा समुदाय ये चाहता है कि इन सभी बच्चों का सही इलाज हो ताकि ये बच्चे अपनी बीमारी से निजात पा सके। मैं वीडियो देखने वाले आप सभी दर्शकों से अपील करना चाहती हूँ कि आप वाराणसी जिले के CMO के मोबाइल नंबर 94-15-30-15-13 पर कॉल करके दबाव बनाएं ताकि इन सभी बच्चों का सही इलाज हो सके। मैं शबनम, जनपद वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, इंडिया अनहट के लिए।